घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेब मालिका जाई आज जाईफुल मालिकारे आमे एबोली एक पद को नेइछु जो जाईफुल मालिकारे महापुरुष कहउचंति मनीष गृह जंजाल रे पड़ी प्रभुंकर नाम आउ भजन करि परिबना ठाकुरंक नाम गुण कीर्तन करिबा पई ता पाखरे समय नथिबो वृथा गप गपिबा पई ता पाखरे अनेक समय हेले प्रभुंक नाम भजन कीर्तन करिबा पई पळस्य माडी बसिबो तंद्रा माडी बसिबो से प्रभुंक नाम भजन कीर्तन करि परिबन ए कथा कोन जाईफुल मालिकारे अछि कोन से पद महापुरुष कहउचंति एमिते को समय आसीबो आउ जो समय भितरे गृह जंजाल रे मजी प्रभुंक नाम न पारिबे भजिलो जाईफुल मानविकता जे जीव हजि मानविकता जे जीव हजि बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष कहउचंति गृह जंजाल रे मजि अर्थात प्रभुंक नाम आउ भजन कीर्तन करिपारिबे नाही से समय आउ आसीबो नाही संसार भितरे सब मानविकता हजिजीबो आउ त सहित एमिते एक समय आसीबो आउ जो समय भितरे आगे का घरे केही जदि रोगग्रस्त होउथिला आपे साई पड़िसा उठि आसुथिले सीधा सड़क ताकु नै मेडिकल रे पहुँचवा पई व्यवस्था करूथिले किंतु एबे रास्तारे जदि दुर्घटना होउछि लोक फोटो भिडियो करिवारे व्यस्त किंतु केही सहयोग मनोवृत्ति नै न आगे घरे घरे जतबले झगड़ा होतला सेतबले लोक पळे आसुथिले आउ समाधान करिबा पई किंतु एबे झगड़ा होउछि लोक माने सेठी झगड़ा को देखिबा पई आसुचंत आउ जणे जणे कहउचंति हटिलो हटिलो आगुरु उठ आगुरु उठ जेंते से झगड़ा तुटे दबो देखला से कहउछि मते टिके देखिबा को दे सार पचारिले गोटे पिला को कहले अच्छा तो पड़िसा घरे झगड़ा लागिले तू कौन करिबू आगे पिला माने जदि एही प्रश्न पचरा जाय थांता पिला माने निहाती उत्तर दे थांते आमे झगड़ा को समाधान करिबा पई चाहिबू किंतु आजिर पिला उत्तर दउची जदि परस्पर कळीगोड़ झगड़ा तुम आखि सामने होतिबो तुमे कौन करिबू पिला कहउछि मु किछि समय देखिबी आउ तापर से जागा छाड़ी पळेबी काहे कि अन्य को सुजोग देबी देखिबार एमिति एक समय आसीगलाणी जो समय रे पिला उत्तर दउची कळी लागू भल झगड़ा करंतु भल अर्थात सब मानविकता हजिजीव रास्तार आज आक्सीडेट होकर मरण सहित मृत्यु सहित आज दुर्घटनाग्रस्त रोगी टीए पड़ी छटपट होटो से ही हजार हजार जात्री जाऊँच कई टी अनौना किए झमेलें पशिव किए ताकु नहीं निजे कष्ट भोग कर थे भावंतु ना आम से परिस्थिति थिले आमको मध्य से भाव में लोक माने अनादर करेंगे तेणुक आम जीवन भितर जाईफुल मालिका कहूँ मानविकता हजिजी मनीषर मानविकता रही आउ जो मानविकता गोटे असहाय को देखला परे आपे आपे जाग्रत हो जाए ताकु केमते नै गृह रे पहुँचवा आम चरित्र एभली हवा दरकार जो चरित्र गोटे राति अधरे जाउतिबा झियो आमको देखिले सुरक्षित मन करिवो से भली आम चरित्र होबा दरकार तेणु महापुरुष कहउचंति मनीष गृह जंजाल रे मजि प्रभुंक नाम तो भजि पारिबो नाही वृथा कार्य करिबा पई ता पाखरे समय थिबो किंतु प्रभुंक नाम स्मरण कीर्तन करिबा पई भजन करिबा पई न किंतु मानविकता यही समय भितर हजिजीव किंतु प्रभुंकर भक्त जो माने साधु माने ज्ञानी माने से माने ये घोर भयंकर संसार को देखी सारा परे से माने ये संसार मंगल पाई गृह छाड़ी रही से माने कौन करिबे ना पहाड़ गिरिखंदर रही जगतर मंगल पाई प्रार्थना करिबे परस्पर भितरे ब्रह्मांकर से महान वाणी को आलोचना करी जगतर मंगल करिबे महापुरुष कहउचंती अनेक स्थान आमे पूर्वर कहिछु को जंगल को पळेबे जो जंगलर कथा जो पहाड़र कथा महापुरुष माने कहिछंती से आगत भविष्यतर मालिकार कथा आमे माने आलोचना करिबा कौन कहले को जगह हम ये रास को जगह हम लीला आपन को से पद टिके मन पकई देबा पई चाहे जो जगार रास हम जो जगार साधु सन्त मैंने एकाठी हे महापुरुष कहते कहले गुप तरा हास कर मणिनाग निकटे
वेद आसी गोप कन्या खेल हेब प्रगटे गोविंद 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 भज राधे गोविंद जय हो गोविंद 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 भज राधे गोविंद आहा अठावन खर्ब सखाटी मेल हेबनी कर नीला त्रिलोचन पराए दृष्टि हेब तार गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद आहा मणिभद्रा ठारे आसन तीनि बेळ होइब दुखी संगे थिबे रहिण भैर विणाकिण गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि बोले साधु माने संत माने मणिभद्रा पहाड़ कथा नयागढ़ पादेश मणिभद्रा पहाड़ आपण मानकर जोठी परम बड़ गुरुदेव रामदास यज्ञस्थली बोली बाछिनेले से जगह को महापुरुष अच्युत कौचन नील धवल अंगटी मणिभद्रा पर्वत उदय होती अच्युत बेल हेला निकट से महापुरुष से अच्युत जहाँ को पूर्वर सिद्धांत देते से मणिभद्रा पहाड़ निकट यज्ञ आरंभ हो कलापाटर स्थान आम पूर्व आलोचना करे कथा को तेणु आज कौ कथार आलोचना महापुरुष अच्युत कहते से जगार साधु सन्त मान भेट हे आसत मणिभद्रा ठारे आसन तीन बेल होइब अर्थात आसन पड़ब आसत कौन हम ना दुखी संगे थे रहीण प्रभु दुखी मान संगे से रे आई समय भितर विराट एक भैरवी डाक हम भैरवी शब्दर अर्थ कौन से मणिभद्रा पहाड़ निकटने आपण मानकर साधु संत माने योगी माने मुनि ऋषि माने तपस्या करिवार समय भितर भयंकर भैरवी राग हम आम कहते भैरवी शब्द अर्थ कौन ए साधु सत मैंने आपण मान जी तपस्या कर गुंफा मध्य अच्छा गुप्त भाव अच्छा एवं भैरवी डाक चली भैरवी शब्द अर्थ कौन भयरे डाक हम लोक मैंने भयर आग काल पे समस्ते भावुले संसार भितर जा बापा माँ का चरण सेवा एकांत भक्ति बापा माँ का बोल करवा किंतु एबे पिला माने आउ बापा माँ का कथा मानिबे तो सहित आगे देखंतु गोटे बापा भावुला किछि न होले नाही ता पुओ झियो तो परगोत्री हि जीव ना पुओटे जन्म करिवार लाभ होउची मुहरे टिके मते निहा दबो मुहरे निया दबा तो दूर कथा एमिति महामारी आसला सब कु देखा छुईवा निषेध हो तेणु भावंतु तो समय केते बदली जाए से पर्वत निकट में महापुरुष कहते महानदी बही जा सहित से आपण मानकर कौन हम ना पंचुपाण्डव मानकर सहित भेट हो तो आगत भविष्य मालिकार टीपि रखत एक कथा महापुरुष कौटी कथा को लिखिं आगत भविष्य मालिका महापुरुष कौन कहले कहले पंचम पांडव स्थानी नदी पूर्व भागरे पवन सुत रही ध्वजा अंकुश परे गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि बोले पंच पांडव स्थान टी नदी पूर्व भाग रे आ पवन सुत किए हनुमंत महाराज कहले से स्थान रे चार युग प्रताप तुम्हारा हई प्रसिद्ध जगत उजियार से पहाड़ निकट रे हनुमान श्री राम जय राम राम नाम जप करी से ध्यानस्थ होती आउ से कौन ध्वजा अंकुश धरिकी से अच्छा आ तो सहित भक्त मान से पहाड़ बुल बुल हनुमान दर्शन पाइबे जो हनुमान जी राम नाम बसिकी मणिभद्रा पर्वत रे जप करुछंती बोली आज आपण मानकर प्रमाण मिलला आउ तेणुकरी खाली से नुह से ग्रामर नाम कौन जो पाखरे ग्राम महापुरुष कहते एवं तो नाम सब बदली गला जो आपण मानकर रसराज सिकंदर मौली रास करुले जो जगह थी महाप्रभुंकर जे रासनगर से आज रसिक नगर हो जाए जाणीबा बड़ कष्टकर हो जाए कि ग्रामर नाम महापुरुष कहते कौन कहले कहले काशी दे
ଶେଷ ଚାରି ପାଟଣା ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଗ୍ରାମ ହରି ପୁଣି ଭୂଇଁ ସଙ୍ଗରେ ଅମ୍ବିକାର ଯେ ସ୍ଥାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାଶୀ ଦେଶ ଚାରିପାଟଣା ସେ ଜାଗାରେ ଚାରିପାଟଣା ଥିବ ଆଉ ହରିପୁଣି ଭୂଇଁ ସଙ୍ଗରେ ସେ ହରିପୁର ସେ ଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅମ୍ବିକା ମାଆଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ହୋଇକି ଥିବ ଆଉ ସେଇଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଅନେକ ଜାଗା ଠାରଗାର ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଖାଲି ସେ ଜାଗା ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ବଟ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୀଳା ହେବ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ମହାପୁରୁଷ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବଟ ନିକଟରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ବଟର ଗିରିରେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଠାଇଁ ଏ ଗୁପ୍ତ ରାହାସ ସେ ଲାଗିବ ସ୍ଥଳ କହି ନୁହଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ବୋଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ବଟ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେବଗଡ଼ ଓଲଟ ବଟ ଆଉ ଯେଉଁ ବଟ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଥିବା ଆଉ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ମୂଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନସ୍ଥଳୀ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ ଲାଗିବ ଉକ୍ତ ରାହାସ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନିରୂପଣ କରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନଟା ଟି ଗୁପ୍ତ ଥାଉ କାହିଁକି ନା ଗୁପ୍ତ ରାସ ଲାଗିବ ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ବଟରେ ଗୁପ୍ତ ରାସ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏଠି କେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ରାସକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କହିଲେ ଛେତୁଆ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସେଠି ପଞ୍ଚ ସଖାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭେଟ ହେବ କହିଲେ ଏ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଭାରି ଲାଳୟିତ ହୋଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ରାସ ଉତ୍ସବ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଏଇ ରାସରେ ମଜିଯିବେ ରାସ କ'ଣ ଦେହ ଥାଇ ଆତ୍ମା ଯଦି ପରମ ପଦେ କରେ ବାସ ତାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ସଂସାରେ ମହାରାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆତ୍ମା ପରମ ପଦରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାକୁ ରାସ କହନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ମଳୟ ପବନ ବହଇ ତନୁ ପଲ୍ଲବେ ତହିଁ ତହିଁ ପରେ ପଞ୍ଚ ସଖାଟି ଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଅନ୍ୟତ୍ର ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମିଳନ ହେବ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଲୀଳା ଲାଗିବ କହିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କହିଲେ ଉଗ୍ର ତାରା ପୀଠ ପ୍ରକାଶ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାହୁଙ୍କ ଠାବ ସେହିଠାରେ ନିତ୍ୟ ରାହାସ ତେର ଦିନ ହୋଇବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରାସ ହେବ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏକାଦଶ ଦିନ ଏଗାର ଦିନ ହେବ ବାର ଦିନ ହେବ କେଉଁଠି ତେର ଦିନ ହେବ ସେଠି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଉଗ୍ର ତାରା ପୀଠ ଆପଣମାନଙ୍କର ରଣପୁର ଉଗ୍ର ତାରାଙ୍କର ପୀଠରେ ତେର ଦିନ ଧରି ରାସ ଉତ୍ସବ ଘଟିବ ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ତେର ଦିନ ଧରି ରାସ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଉଗ୍ର ତାରାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୀଠ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଇଠି ତେର ଦିନ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରାସ ଉତ୍ସବ ହେବ ନିତ୍ୟ ରାସ ସେଠି ତେର ଦିନ ଚାଲିବ ଆଉ ଯେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଉଦୟ ଅସ୍ତ କେଉଁ ଠାବରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଭଜନ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳର ପରାଏ ଶିଶୁ ବେଦ ଭଜନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲିଓ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତେର ଦିନର ରାସ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଅଷ୍ଟପାଶେ ଅଷ୍ଟ ଦେବଟି କରିଛନ୍ତି ଆସନ
सिद्ध देवी जहि अछन्ति गिरि दक्षिणे पुण गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की कहिले अष्ट देवी माने से कड़े अच्छा अष्ट दिगरे अच्छा आउ तत्सहित महापुरुष कहते सिद्ध देवी माने अच्छा अर्थात सिद्ध देवी पहाड़ गिरिकंदर रे माँ सिद्ध देवी अच्छा से स्थान रे तेर दिन रास हो आउ तत्सहित आउ के जगार रास उत्सव हम महापुरुष कहते बड़े सुंदर भाव में कौ कौ जगार कथा निर्धारण अति सुंदर कथा महापुरुष कहते कहले अमरावती बोली स्थान कुंज छतिया परी चंपापुर ग्रामे जन्म निकटरे कोठरी गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद छतियावटर कथा आसीगला जोठी चंपापुर कथा आसती चंपाहाटर कथा आसती आउ महापुरुष कौन कहते से स्थान ना कौन आउ टे आपण मानक से ठारगार को आम रखिदबु से जगह कौटी कहले दरपणी बोली स्थानी महागिरीमाला महाजोगी ज्योति प्रकाश एव छतिया ठारे गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद के शुणी हास्य करिवो केही परते जीवो केहु केहु अशुणथिवो केही मान्य करिवो गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद कई कई अनेक एक कथा को शुणी हाँ केतबले रास हम गुप्त लीला हम महालीला हम एक कथा शुणी हसुव अनेक किंतु महापुरुष कहते क्यों क्यों ये कथा को शुणी हाथ तार आपे आपे जोड़ी हो जाऊ महाप्रभु जगन्नाथंकर से ब्रह्म लीला करिवे ये कथा को शुणिले आनंद मग्न हो जाऊे आउ महापुरुष कहते ये कलिजुग भितर यही सब अवस्था घटव जो भाई भाव कलिजुगर कराल गति अज्ञानी माने मालिका शास्त्र को विश्वास करेंगे किंतु ज्ञानी माने मालिका को शुणी भक्त मान को ठाब करेंगे आउ से रासस्थल को जा माँ सिद्धपीठ को दर्शन करेंगे आ जीवन चरितार्थ धन्य करेंगे तेणु जो माने प्रकृत भक्त से माने ही प्रकृत सृष्टिर आरंभ अच्छा आ सृष्टिर शेष से माने भक्त सहित अभिन्न होके अच्छा भक्त जोठी भगवान सीठ अर्थात भक्त भगवान दुई भाविले भिन्ना भिन्न नाई तेणु महापुरुष कहते कहले कलिजुग भितर एमती समय आसव आ जो समय भितर नानादि प्रकार अन्याय करुवा लोक से माने प्रकृत श्रेष्ठ हे से माने रास उत्सव को देखिपारे ना से माने महान कर्म को जापारे ना से नानादि प्रकार दुख कष्ट सोटू भोग करे आेणु गृहजंजा भितर जा फूल मालिका कौन जो मैंने पढ़ी से माने रास उत्सव आनंद नहीं पारे ना तेणु प्रभु नाम को से माने भजन करें कीर्तन करें से माने घोर नरक आड़क जी सत किंतु प्रभुंर पदरज टिके प्राप्ति करें तेणु वृथा समय नष्ट नक केवल प्रभुं प्रेम मजी रहांतु कहीं यही सब समय गुड़िक निकटतर हो आउ समय ना तेणु महापुरुष कहते कहले से समय उपगत कहले आहु बेसी बेल नहीं लो बहुल निकटे देखा बहुल लो निकटे देखा पंच सखा माने कही जाई पुराण रे अच्छी लेखा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि कहले समय भितर समय गढ़ी चली आई आमय ना बेल आशाकर हरि ये न्याय संसार भितर मानविकता हजिजीव आ तेणुक मनीष मनीषर शत्रु पलटिजी आई
ଭଗବତ ମାର୍ଗ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିଦେବା, କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କର୍ମଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଶାଶୁ ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖରେ, ମହାପୁରୁଷ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନବିକତା ହଜିଯିବୁ, ଆଖି ଦେଖା କଥା। ଶାଶୁ ସେମିତି କାଶୁଛି, କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି, ତିନି ତିନି ବୋହୂ, ସେ ବୋହୂ କହୁଛି ଏ ବୋହୂ ଯାଉନାହିଁ ସେବା କରିବ, ସେ ବୋହୂ କହୁଛି ତୁ ଯାଉନୁ ସେବା କରିବୁ, ସେ କହୁଛି ସିଏ ଚାଉଳ ଡାଲି ତା'ର ଖାଉଛି, ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଉଛି, ସିଏ ତା'ର ଯିବ ସେବା କରିବାକୁ। ହେଲେ ଜମି ବାଡ଼ି ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ତିନି ତିନି ଜଣ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ, ଶାଶୁର ଧନକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଧନକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ତିନି ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ସକଳ ମାନବିକତା ହଜିଯିବ, ଆଉ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରଖିବୁ। ହେଲେ ଆଜିର ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାର, ଦୁଇବାର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ବୋଲେ ଓମ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, 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 ଓମ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ।